तो आयरलैंड के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ भी टी20 मैच में हार्दिक पांड्या करने वाले टीम इंडिया की कप्तानी। साथ ही साथ टीम इंडिया से कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए हैं बाहर। तो आखिर इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए क्या है भारतीय टीम स्क्वाड, इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। तो आपको बता दें कि फिलहाल टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे पर एक 4-day टेस्ट वार्म अप मुकाबला खेलना था जो कि खेला जा चुका है। अब टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पर एकमात्र टेस्ट मुकाबला तो वहीं 2 टी20 प्रैक्टिस मुकाबले भी खेलने, जबकि 3 टी20 मैचों की इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है, तो वहीं 3 ओडीआई मैचों की इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है। तो आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और 5 जुलाई तक खेला जाएगा। और इसी बीच 2 टी20 प्रैक्टिस मुकाबले भी खेले जाएंगे, जो कि पहला टी20 प्रैक्टिस मुकाबला 1 जुलाई को खेला जाएगा और दूसरा टी20 प्रैक्टिस मुकाबला 3 जुलाई को खेला जाएगा। तो जब टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा होगा तो उसी समय 2 टी20 प्रैक्टिस मुकाबले भी खेले जाएंगे और इसी वजह से जो टेस्ट टीम खेलेगी टीम इंडिया की, टेस्ट सीरीज का कोई भी खिलाड़ी टी20 प्रैक्टिस मुकाबले में नहीं खेलेगा। और इसी वजह से बीसीसीआई और भारतीय टीम चयनकर्ता ने फैसला लिया कि जो टीम आयरलैंड दौरे पर थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत की बी टीम, ये वही टीम अब 2 टी20 प्रैक्टिस मुकाबला खेलेगी। तो हार्दिक पांड्या आयरलैंड के बाद इंग्लैंड में भी कप्तानी करने वाले, जो कि 2 टी20 प्रैक्टिस मुकाबलों में। आपको बता दें कि टीम इंडिया का जो 2 टी20 प्रैक्टिस मुकाबला है वो इंग्लैंड की डोमेस्टिक टीम के खिलाफ खेला जाएगा, जो कि पहला टी20 मुकाबला 1 जुलाई 2022 फ्राइडे को खेला जाएगा इंडिया वर्सेस डर्बी शायर के बीच। और यह मुकाबला डर्बी काउंटी ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाएगा रात को 11:30 बजे से, यानी कि 11:30 PM से। तो वहीं दूसरा टी20 प्रैक्टिस मुकाबला 3 जुलाई 2022 संडे को खेला जाएगा इंडिया वर्सेस नॉर्थ एम्पटन शायर के बीच, नॉर्थम्पटन के काउंटी ग्राउंड के रिकेट स्टेडियम में। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज की बात करने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर 2 टी20 प्रैक्टिस मुकाबलों के लिए आखिर क्या है टीम इंडिया का स्क्वाड। तो 2 टी20 प्रैक्टिस मुकाबले के लिए कुछ इस तरह से भारतीय टीम का स्क्वाड, जिसकी कप्तानी हार्दिक पांड्या करने वाले हैं। तो वही टीम में भुवनेश्वर कुमार, जबकि ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर बैट्समैन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, हर्षल पटेल, अवेश खान, अर्शदीप सिंह और उमरैन मलिक। तो 2 टी20 प्रैक्टिस मुकाबले और एक टेस्ट मैच के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 3 टी20 और 3 ओडीआई मैचों की इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच टेस्ट मुकाबला 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक खेला जाएगा, तो उसके तुरंत बाद ही 7 जुलाई से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर बीसीसीआई सोच विचार कर रही है, हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया यह भी 100% कंफर्म नहीं हुआ है, जहां बीसीसीआई सोच विचार कर रही है कि जो खिलाड़ी टेस्ट मुकाबला खेलेंगे या फिर टेस्ट मैच का हिस्सा है उन सभी खिलाड़ियों का 3 दिनों का और आराम दे दिया जाए, रेस्ट दे दिया जाए। और इसी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में जो टीम आयरलैंड के खिलाफ गई थी वही टीम यहां इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले टी20 मैच में उतर सकती है, जिसकी कप्तानी हार्दिक पांड्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहां इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 9 जुलाई 2022 सैटरडे को खेला जाएगा और तीसरा टी20 मुकाबला 10 जुलाई 2022 संडे को खेला जाएगा। तो अगर इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली आयरलैंड की टीम ही मैदान में उतरती है, तो फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ये सभी खिलाड़ी दूसरे टी20 मुकाबले से इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे, दूसरे टी20 मुकाबले से इन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। हालांकि ये रिपोर्ट अभी 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि इंग्लैंड के खिलाफ 2 टी20 प्रैक्टिस मुकाबलों में हार्दिक पांड्या कप्तानी करने वाले और आयरलैंड के खिलाफ जो टीम थी वही टीम मैदान में उतरने वाली है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अभी तक भारतीय टीम का स्क्वाड ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं हुआ है, जल्दी स्क्वाड आने वाला है। तो स्क्वाड आने पर सब कुछ क्लियर और कंफर्म हो जाएगा कि आखिर भारत की फुल स्ट्रेंथ टीम ए टीम पहले टी20 मुकाबले से ही मैदान में उतरने वाली है या फिर पहले टी20 मुकाबले में आराम दिया जाएगा बड़े बड़े खिलाड़ी को, उसके बाद दूसरे टी20 मुकाबले से वापसी करते हुए दिखाई देंगे टी20 सीरीज में। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। हालांकि जैसे ही टीम स्क्वाड अनाउंस होगा आपको सबसे पहले हमारे इसी चैनल क्रिकेट सुपर फैंस पर उसकी अपडेट्स दे दी जाएगी। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।